हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्रीम चीज बनाएंगे। इसे हम चीज स्प्रेड भी बोलते हैं। तो इसे आज हम घर पर बनाएंगे। इसे बनाना काफी आसान है, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने इसके लिए 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया और दूध को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। हम इसे हिलाते हुए बॉईल करेंगे। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो ये मैंने 2 टीस्पून विनेगर लिया। अगर आपके पास विनेगर है, सिरका है, तो आप ये यूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप इसकी जगह नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इस दूध को फाड़ना है, इसका पनीर या छेना जो भी आप कहें वो बनाना। दूध में बॉयल आने लगा है, तो अब मैं इसके अंदर ये सिरका डाल दूंगी। हम उतना ही सिरका डालेंगे जितने में दूध हमारा अच्छे से फट जाए। अगर हमें और चाहिए होगा तो हम और लेंगे। साथ साथ हम हिलाते भी रहेंगे। आप देख सकते हैं दूध हमारा फट गया। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी, दूध अच्छे से फट चुका है। और अब हम इसे छान लेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने एक पतीला लिया, पतीले के ऊपर मैं ये छलनी रख रही हूँ और छलनी के ऊपर ये मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया। अब हम इसे छान लेंगे। फ्रेंड्स, इसके नीचे ये जो पानी निकला है इसे हमने वेस्ट नहीं करना, ये काफी यूजफुल होता है। आप इसे आटा गूंथ सकते हैं या दाल बनाने में यूज कर सकते हैं या कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी में आप इसे यूज कर सकते हैं। हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम इस छेना को, ये मैंने ठंडा पानी लिया, इसे हम इसमें डाल देंगे ताकि जो इसके अंदर सिरके का टेस्ट है वो भी निकल जाए और अच्छे से धुल भी जाए। अब हम इसे थोड़ा सा निचोड़ लेंगे। हमने इतना भी नहीं निचोड़ना कि इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो, हमें बस इसे थोड़ा सा निचोड़ना है ताकि इसके अंदर इसका मॉइस्चर रह जाए। अब हम इसे सेपरेट कर लेंगे। एक बाउल में निकाल लूंगी मैं इसको, छेना को। अब मैं छेना को इस बाउल में निकाल लूंगी और अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे क्योंकि हमने इसको पीसना है, तो इसे हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा छेना बना है हमारा। पनीर हमारा ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे मिक्सी के जार में डालूंगी। फ्रेंड्स, मैंने 1/4 कप फ्रेश मलाई ली है, इसे भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर नमक डालूंगी और अब हम इसे पीस लेंगे। अगर हमें लगेगा कि हमारा जो चीज स्प्रेड बन रहा है वो काफी सख्त है तो हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी डालेंगे। फ्रेंड्स, चीज स्प्रेड हमारा थोड़ा सा थिक है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर दूंगी और इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और मैं फिर से एक बार इसे चला लूंगी। फ्रेंड्स, मैंने इसे थोड़ा सा पतला करने के लिए इसके अंदर लगभग 3 टेबलस्पून के करीब दूध डाला है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। और अब ये प्लेन चीज स्प्रेड हमारा बनकर तैयार है। इसे मैं बॉल में निकाल लूंगी। अब हम एक फ्लेवर वाला भी बनाएंगे, गार्लिक फ्लेवर का चीज स्प्रेड। फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इसके अंदर नमक डाल चुकी हूँ, अब मैं इसके अंदर फ्लेवर के लिए लगभग 1/4 टीस्पून के करीब मिक्स्ड हर्ब डालूंगी और 2 पिंच के करीब मैं इसके अंदर काली मिर्च ऐड करूंगी और 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर लहसुन का पाउडर डालूंगी। फ्रेंड्स, आपके पास लहसुन का पाउडर है तो ठीक है, नहीं तो आप इसकी जगह लहसुन लेकर उसकी कलियों को छोटा छील कर छोटे छोटे पीसेस में कट करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और अब हम इसे फिर से एक बार चला लेंगे। आपका गार्लिक चीज स्प्रेड भी बनकर तैयार है, इसे भी मैं बॉल में निकाल लूंगी। फ्रेंड्स, प्लेन चीज स्प्रेड और गार्लिक चीज स्प्रेड बनकर तैयार है। आप इसे चपाती पर लगाकर खा सकते हैं, परांठी पर खा सकते हैं, ब्रेड पर लगाकर खा सकते हैं
और आप इनको लिड लगाकर एक हफ्ते के लिए स्टोर भी करके फ्रिज में रख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।